आई एम साक्षी, वेलकम टू अवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। बात करें टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की तो आपको बता दें कि टॉलीवुड इंडस्ट्री में पारिश्रमिक की बात आने पर अभिनेताओं को करोड़ों की कमाई करने मिलता है। ग्रह एक ज्ञात तथ्य है कि तेलुगु सितारे अपनी फिल्मों से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। तेलुगु उद्योग में अभिनेताओं ने प्रोडक्शन में प्रवेश किया है और वे अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। पारिश्रमिक के अलावा उनमें से कुछ ने नियमित शुल्क लेने के बजाय मुनाफे में हिस्सा लेने का विकल्प चुना। जब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में तनख्वाह की बात आती है तो अखिल भारतीय स्टार प्रभास भी सबसे आगे हैं। प्रभास नंबर 1 हाईएस्ट पेड एक्टर है। बाहुबली सीरीज की ब्लॉकबस्टर हिट होने पर प्रभास की पॉपुलैरिटी और बढ़ चुकी है। बाद में उन्हें एक्शन ड्रामा साहू में देखा गया जो बॉक्स ऑफिस पर औसत थी और वर्तमान में उनकी झोली में कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। फिल्म इंडस्ट्री में लेटेस्ट चर्चा है कि प्रभास 2 फिल्मों में सलार और आदि पुरुष के लिए कुल 100 करोड़ रुपए से अधिक के चार्जेस ले रहे हैं। प्रभास को हर फिल्म के प्रॉफिट में 10% हिस्सेदारी मिलेगी। सलार और आदि पुरुष के अलावा प्रभास नाग अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म #प्रभास21 में भी दिखाई देंगे, जिसमें बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण भी हैं। उनकी फिल्म सलार का निर्देशन प्रशांत नल ने किया है, जबकि आदि पुरुष का निर्देशन ओम रावत ने किया है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।